दिवस समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम देश के संविधान के कारण ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यूपी दिवस और गणतंत्र दिवस का समापन एक ही दिन हुआ, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लखनऊ पहुंची गांधी शांति यात्रा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से चलकर गुजरात, राजस्थान होते हुए आज लखनऊ पहुंच चुकी है गांधी शांति यात्रा, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और उनके साथ मशहूर पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी छात्र सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं स्टूडेंट लीडर कुमारी पूजा शुक्ला से समाजवादी पार्टी से प्रतिनिधि मंडल ने आज लखनऊ कारागार में भेंट की। कुमारी पूजा को लखनऊ चौक घंटा घर में CAA के विरोध में चल रहे महिलाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर द्वारा थाना पूरे भार का औचक निरीक्षण किया गया। परिसर में स्थापित बैरक, CCTNS कक्ष, भोजनालय, कार्यालय में अभिलेखों का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट कार्य एवं स्वच्छ परिसर के रख रखाव के संबंध में थाना कूरे भार पुलिस कर्मियों को 1100 रुपए का पुरस्कार भी दिया। SP के निर्देश पर नगर कोतवाली में GIC के विद्यार्थियों को पुलिसिंग से अवगत कराया गया। समाज में जागरूकता और पुलिस का डर दूर करने और तमाम बातों के साथ साथ बच्चों को कानूनी जानकारी दी गई। माननीय जिला न्यायाधीश श्री तनवीर अहमद के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सतीश कुमार मदन के आदेशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति कादीपुर लम्बुआ, बल्दी राय जयसिंहपुर एवं सदर सुल्तानपुर द्वारा अपने अपने तहसील मुख्यालयों पर भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया तथा उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधी विषय पर भी विशेष रूप से जानकारी देते हुए यह बताया गया कि बेटियां देश का भविष्य हैं और इनकी सुरक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। नोएडा एयरपोर्ट की जमीन पर कब्जा लेने गई पुलिस टीम पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने किया पथराव। SDM जेवर एवं पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल। उग्र किसानों ने पथराव करके SDM की बोलेरो को क्षतिग्रस्त कर दिया। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला नौरंगाबाद में दिमागी रूप से विक्षिप्त युवक ने अपने ही परिवार के भाई और बीवी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। बीच बचाव में माता पिता हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में मां और पिता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। कोर्ट में फिर नहीं पेश हुए आजम खान। कोर्ट ने की कार्यवाही करते हुए 4 सप्ताह के अंदर दाखिल करे अपने शपथ पत्र। आजम खान द्वारा भारतीय सैनिकों के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां करने के मामले में आज 27 जनवरी को आजम खान की स्पेशल कोर्ट ADJ 6 में पेशी थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। थाना शाहबाद के लखीबाग के पास 25,000 के दो इनामी बदमाश इशाउद्दीन और बब्बू बेग की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों घायल। शाहबाद की पुलिस को मित्रपुर में सप्ताह भर पहले एक किशोरी का शव गन्ने के खेत में मिला था। रेप के बाद हत्या की आशंका में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसी केस में इशाउद्दीन और बब्बू बेग फरार चल रहे थे। SP ने मुठभेड़ करने वाली पुलिस टीम को 20,000 रुपए से पुरस्कृत करने की घोषणा की। यूपी के कन्नौज के इंदरगढ़ जगतापुर रोड पर सचिन टेलीकॉम मोबाइल सेंटर की दुकान में पीछे से सेंध लगाकर लाखों रुपए के मोबाइल सहित नकदी उड़ा ले गए चोर। अभी कुछ महीने पहले ही मोहन तिवारी के किराने की दुकान और जगतापुर में संजू राठौर की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र के राम सिंह तिराहे पर 2 नवजात शिशुओं का शव मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस कार्यवाही में जुट गई। शव देखने वालों का तांता लग गया। अयोध्या निवासी पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद शरीफ का महिला थाना अध्यक्ष प्रियंका पांडे और उनकी टीम ने महिला थाने में फूलों का गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित किया। जहरीली शराब पीने से थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया।
हूँ।